वहीं फरीदाबाद में एयरपोर्ट पर नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मामले में महिला सहित तीन आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 300 से ज्यादा धोखाधड़ी की वारदातों को अब तक आरोपी अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों ने अलग अलग राज्यों में भी धोखाधड़ी की है। वहीं फरीदाबाद में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। साइबर अपराध की टीम ने महिला सहित तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में आरोपियों का एक और साथी भी शामिल है जो गिरोह का मुखिया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्त से आरोपी बाहर है। आरोपी ऑनलाइन वेबसाइट का फायदा उठाकर उन लोगों की जानकारी इकट्ठा करते थे जिन्हें नौकरी की जरूरत है। पूछताछ आरोपियों ने बताया कि 2020 में लॉकडाउन के दौरान उन्होंने इस तरह की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया, जिसके लिए आरोपियों ने दिल्ली के गाजापुरी एरिया में अपना एक कॉल सेंटर खोला। आरोपी रोजाना यहां 50 लोगों को कॉल करके लोगों के साथ धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देते थे। महिला आरोपी कंपनी में मैनेजमेंट का काम करती थी और गैंग का मुखिया हर जरूरी जानकारी उपलब्ध करता था। आरोपी नौकरी के लिए आवेदनकर्ताओं की जानकारी इकट्ठा करने के बाद उनसे संपर्क करते और उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी लगवाने के बड़े बड़े सपने दिखाते थे। फिलहाल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुखिया अब भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें कि आरोपी सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते थे कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें नौकरी की जरूरत है, जिसके बाद उन्हें नौकरी का लालच देकर उनसे तमाम तरह की जानकारियां लेते और उन्हें ठगी की वारदात को अंजाम देते। इनके जाल में न जाने कितने बेरोजगार लोग फंसे। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो लोगों के साथ ठगी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे, जबकि मुख्य आरोपी अब भी फरार है। आपको बता दें कि बड़े एयरपोर्ट्स पर नौकरी दिलवाने का झांसा दिया जाता था, जिसके बाद जरूरतमंद लोगों से तमाम तरह की जानकारियां इकट्ठा की जाती थी और उनसे रुपये लिए जाते थे, लेकिन नौकरी नहीं लगाई जाती थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। देवेंद्र, जिस तरह की खबरें आ रही हैं आजकल, ये अक्सर देखने को मिलता है कि नौकरी के नाम पर लोगों को बड़े ही आसानी से ठगी का लोग शिकार हो जाते हैं और इस तरह के लोग बड़े ही आसानी से लोगों के साथ ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं। फिलहाल जो मुख्य आरोपी है, जो फरार है, पुलिस का क्या कुछ कहना है, कब तक उसकी गिरफ्तारी हो सकती है और जो तीन आरोपी पकड़ाए हैं, क्या उनसे कोई बातचीत हुई, अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं आरोपी? बिल्कुल, देखिए मोनिका, जिस तरह से बेरोजगारी के दौर में कहीं ना कहीं लोग ठगी के शिकार भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं नौकरी के पाने के चक्कर में अपने आप के जो पैसा है उसको भी वो कहीं ना कहीं उधर चला जाता है उनका, तो इसी एक तरीका अपनाया है कुछ लोगों ने और इसमें अब चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला है और एक तीन पुरुष हैं। इन्होंने करीब 300 लोगों को इस धोखाधड़ी का शिकार बना चुके हैं अब तक, क्योंकि साइबर का ठगी का मामला था तो फरीदाबाद के जो SHO हैं साइबर थाने के, उनकी तरफ से इसकी जांच की जा रही थी और जब जांच की गई तो इसमें मामला सामने आया कि एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने के नाम पर एक वेबसाइट बनाई गई और उस वेबसाइट के माध्यम से लोगों से संपर्क किया गया, जो वेबसाइट थी quicker.com के नाम से वेबसाइट थी, जिसमें नौकरी दिलाने के लिए मदद करने की बात की जा रही थी, तो उसमें वो बायोडाटा उस वेबसाइट पर अपलोड करा लेते थे, उसके बाद में उनसे संपर्क किया जाता था, संपर्क करने के बाद में फिर उनके बाद में उनसे पैसे की डिमांड की जाती थी, उनको झांसा दिया जाता था कि आपकी एयरपोर्ट पर नौकरी लगवाई जाएगी और उस पैसे खाते में डाल दीजिए, अकाउंट में डालिए। ये 2020 में ये मामला चल रहा था और ऐसे में एक अभिषेक नाम के व्यक्ति ने शिकायत इस बात की ठगी की शिकायत दी थी और ठगी की शिकायत पर जब कार्रवाई की गई तो अब इसमें एक महिला समेत तीन आरोपियों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। जी ठीक देवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।